Morning friends, so I'm Deepak sir and I'm back on my channel Deepak sir's Chemistry Zone. और इस बार मैं कुछ अलग हट के लेके आया हूँ. On the demand of my students sir, I am here with physical chemistry topic, numericals. दोस्तों physical chemistry में सबसे important जो part होता है वो numerical, okay? हमारे book में numerical तीन कैटेगरी में आपको पढ़ना है और हर एक सॉल्व करके जाना एग्ज़ाम में. एक जो सॉल्व दिए होते हैं, ओके, आफ्टर एवरी टॉपिक सॉल्व एग्जाम्पल दिया होता है, उसी के नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, ओके, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर टेक्स्चुअल एक्सरसाइज में दिया होता है क्वेश्चन. मैं हर एक टॉपिक का, ओके, जैसे आज मैं लेने वाला हूँ हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल, वैसे रॉस लॉ आएगा, वैसे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, ओके, वैसे अलग अलग चैप्टर में अलग टॉपिक. सो टॉपिक बाय टॉपिक आई विल बी टेकिंग द न्यूमेरिकल्स, ओके, एंड आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल. तो प्लीज़ फोकस ऑन इट, आई एम श्योर इट विल बी मच हेल्पफुल टू यू. सो हियर वी गो. ओके दोस्तों, आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर टू, दैट इज सॉल्यूशन. टॉपिक है हेनरीज लॉ. यू नो व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरी ने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ओके, सॉल्युबिलिटी अगर हम दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन से, देन पी इज प्रोपोर्शनल टू काई. दिस इज हेनरीज इक्वेशन. सो पी इज इक्वल टू के एच काई. ये इक्वेशन हमने पढ़ा था. यहाँ पर पी क्या है? पार्शियल प्रेशर. के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट. एंड काई क्या है? काई इज द मोल फ्रैक्शन. रिमेंबर फ्रेंड्स, के एच का यूनिट इज सेम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज नो यूनिट. और मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू. ओके, यहाँ पे एन टू क्या होगा? एन टू इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एंड एन वन इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, फॉर सर्टेन इन ओ केसेस इफ एन टू इज मच लेस देन एन वन, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज काई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन डियर. आई मीन दिस इज द फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो. ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो. कुछ भी नहीं है फॉर्मूला में, सिंपल तीन टर्म्स हैं, पी है, के एच है और काई है. सो हियर वी गो विद द न्यूमेरिकल्स. ओके गाइस, सो हियर वी हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ए इन टेक्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर में इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.6 है. ओके, सो हर एक सॉल्व अनसॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, हमें हर एक टॉपिक का सॉल्व करना है. ओके, तो आई स्टार्ट विथ हेनरीज लॉ. तो ये क्वेश्चन है, H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद अ रॉटन एक्स स्मेल. ये डेटा सिंपली ऐसे दिया हुआ है. इसके लिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से था, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज एट HTP इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज कॉन्स्टेंट. हमें पता है कि हमारा कोर इक्वेशन हेनरीज लॉ का क्या है? P इज इक्वल टू के एच इन टू काई, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर एंड के एच इज अननोन टू अस. ओके, कोई भी न्यूमेरिकल में अननोन एक ही होगा, रिमेंबर. सो इसका मतलब काई और P हमें पता होना चाहिए. सो लेट अस फाइंड दीज टू टर्म्स. एट HTP बोला है, HTP बोला है मतलब यू नो दैट द HTP कंडीशन इज वॉट? 1 atmosphere. ओके, और 760 mm, और बार में 180 mm इज इक्वल टू 1.01325 bar. नाउ प्रेशर तो हमें मालूम पड़ गया, इट्स 180 mm. अब हमें चाहिए काई.
अब काई जो होता है ना, काई क्या होता है, यू कैन सी हियर, काई इज एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू. काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एच टू एस. एन टू क्या है, दैट इज मोल ऑफ एच टू एस, और एन वन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अब ये दो टर्म हमें कहाँ दिया गया है, सीधा दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें मिलेगा मोलालिटी से, क्योंकि मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट. इसका मतलब 0.195 मोलल है तो 0.195 मोल H2S इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, हम क्योंकि हमारा सॉल्वेंट वाटर है. तो वी हैव नाउ गॉट N2 डायरेक्टली 0.195. हमें N1 चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ कोर्स 1000 ग्राम, ओके 1000 अपॉन 18 विल गिव यू N1. तो N1 N2 मालूम पड़ गया, तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, काई, ओके दैट इज द मोल फ्रैक्शन. पी ऑलरेडी हमें पता है यहाँ से 180 m, सो काई वी ऑब्टेन्ड बाय दिस इक्वेशन इज 0.0035, ओके. एंड KH सिंपली फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 180 m अपॉन 0.0035 इज अराउंड 285.7 एटमोसफियर, ओके. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू एनी क्वेश्चन. आई होप यू गॉट इट. ओके गाइज, नाउ दिस क्वेश्चन इज द सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ द टेक्स्ट बुक, ओके. हेनरीज़ लॉ के टॉपिक का सॉल्व एग्जाम्पल है. क्वेश्चन इज, इफ N2 इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मेनी मिली मोल्स, रिमेंबर यहाँ पूछा है मिली मोल्स के अंदर, ऑफ N2 गैस, दैट मीन्स सॉल्यूट का हमें मिली मोल, मतलब हमें इतना मालूम पड़ जाना चाहिए कि इक्वेशन में हमें N2 ढूंढने का है, ओके. वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर यही बोल देता हूँ मैं, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, ओके. और क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, 1000 ml मीन्स 1000 ग्राम, ओके, ऑफ वाटर. अज्यूम N2 एग्जर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 bar. Given Henry's law constant for N2 at this temperature is 76.48 kilo bar. Now look here. P is equal to KH into Ki. ये हमारा core equation है. Okay, हमारा question क्या है? Millimoles कितना dissolve? मतलब हमें पहले Ki ढूंढना पड़ेगा. ये दोनों term हमें दिया हुआ है. KH दिया हुआ है kilo bar में. तो हमने bar में बदला. 10^3 से multiply करके. Okay. प्रेशर हमें पता है सीधा दिया हुआ है 0.987 bar, सो वी गॉट काई पी अपॉन KH जो इतना आया, सो काई आ गया, ओके. नाउ वील सी कि अब काई पे से हम N1 कैसे, लेट अस फोकस दिस साइड, ओके. नाउ लुक हियर, काई क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2. N2 द मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमें ढूंढना है, N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी है, और मैंने कहा कितना ग्राम पानी है, यहाँ बताया था मैंने 1 लीटर जो क्वेश्चन में था, 1 लीटर मतलब 1000, तो 1000 ग्राम अपॉन 18 दैट इज 55.5, ओके. नाउ सिंस N2 इज लेस देन N1, ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी कैन इग्नोर दिस N2 इन द डिनोमिनेट. सो N2 less than N1 है, so N2 can be ignored. So we got the equation, that is Ki is equal to N2 upon N1, okay? And hence N2 क्या होगा, Ki into N1. Ki तो हमने यहाँ ढूंढी लिया है already, okay? And N1 हमें यहाँ मिला है, so we multiply, we got, this is in moles. Remember, ये answer किस में है, moles में है. तो मिली मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10^3, ओके. तो हमारा इतना आंसर आया 0.716 मिली मोल्स. सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन गाइस, क्लियर, ओके गाइस. नाउ दिस क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.7. क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच पास्कल, रिमेंबर पास्कल में दिया हुआ है, एट 298 केल्विन.
कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब हमें मास ढूंढना है, रिमेंबर, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। अब यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट है क्वेश्चन में, ATM में दिया हुआ है प्रेशर, ओके, दैट इज P दिया हुआ है ATM में और KH दिया हुआ है पास्कल में, इट्स बट ऑब्वियस वी हैव टू कन्वर्ट ATM इनटू पास्कल, सो वी हैव P इज इक्वल 2.5 ATM, 1 ATM यू नो दैट इज इक्वल टू 1.01325 × 10⁵ पास्कल, ओके, सो दिस इज द वैल्यू। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, विल कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फिगर आप इग्नोर करोगे तो अल्टीमेटली फिर इग्नोर होगा आगे, तो आंसर में डिफर, सो लेट इट बी एज इट इज, हमने पास्कल में कन्वर्ट किया ATM को। अब KH क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ पास्कल एज गिवन, सो P इज इक्वल टू KH इनटू काई, सेम इक्वेशन, सो काई इज इक्वल टू P बाय KH, सो वी गेट काई इज इक्वल टू 1.517 × 10⁻³, ओके। अब काई क्या होगा, N2/N1+N2, हर बार बोलता हूँ मैं, N2 क्या होता है, N2 इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, और N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और हमने नीचे इग्नोर किया N2 क्योंकि वो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, सो N2/N1, हमें सिर्फ N1 चाहिए, बिकॉज यहाँ पर N1 सीधा नहीं दिया होगा, यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, 500 ml सोडा वाटर, इसका मतलब ऑलमोस्ट 500 ml पानी है, इसका मतलब 500 ग्राम पानी है, बिकॉज पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो N1 इक्वल टू 500/18, दैट इज दीज मेनी मोल्स, ओके, सो वी गॉट N1, नाउ आई फोकस दिस साइड, सी N2 इज इक्वल टू वॉट, काई इंटू N1, ओके, सो काई का वैल्यू हमने जो निकाला वो यहाँ रखा, और N1 का वैल्यू जो निकाला हमने यहाँ से वो यहाँ रखा, वी गेट N2 इक्वल टू दीज मेनी मोल्स, और N2 क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, रिमेंबर N2 इज वॉट, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, एंड देयरफॉर मास इज इक्वल टू N2 इंटू मॉलिकुलर मास, क्योंकि CO2 गैस है तो मॉलिकुलर मास 44 है, दिस इज द आंसर इन ग्राम्स, 1.854, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल, ओके, सो कुछ भी नहीं है, रिमेंबर ओनली वन थिंग, क्वेश्चन को आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ओके, जहाँ तक पॉसिबल, बिकॉज एवरी स्टेप विल गिव यू सम मार्क्स, ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आंसर करेक्ट ही आ जाए, आंसर में आगे पीछे हो सकता है, ओके, बट अगर स्टेप थोड़े सही होंगे तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड प्लीज नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, ओके, ओके गाइस, सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम द टेक्चुअल एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2.39, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, मेजॉरिटी कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, with approximate proportion of 20% and 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at the pressure of 10 atm at 298 Kelvin if KH for O2 and N2 are this much mm and this much mm respectively, calculate the composition of these gases. दोस्तों एक question बहुत important है, okay? इसमें हेनरीज लॉ है, बस सिंपल है एकदम, लेकिन दो गैस के लिए हमें ढूंढना है, ओके, और यहाँ पर उन गैसेस का परसेंटेज प्रोपोर्शन दिया हुआ, ये खास बात है, ओके, नाउ वी नो दैट कि O2 इज 20% बाय वॉल्यूम और टोटल प्रेशर गैस का कितना है 10, सो पार्शियल प्रेशर O2 कितना हो जाएगा, उसका परसेंटेज प्रोपोर्शन जो 20% है, दैट इज 2100 इंटू पी टोटल, तो 20/100 इंटू 10 क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2 ATM, ओके, 2 ATM, बिकॉज ये 10 दिया हुआ ATM में, अब हमने कन्वर्ट किया इसको
mm by multiplying by 760, because 180 mm is equal to 760 mm. So this much mm, okay, is the partial pressure of O2. In the same way, we can find the partial pressure of N2. Iska percentage 79 hai. So 79 upon 100 into P. P kitna hai? 10. So we got this much ATM or mm mein 6004. Okay, this is exactly 6004. Fine. So, now KH for O2 and N2 are given in mm. Okay. हमने इसको किस लिए बदला था एम एम में, बिकॉज की एच हमारा एम एम में दिया हुआ है. ओके, नाउ विल सी ऑन दी अदर साइड, लेट्स जूम दिस साइड. ओके, अब हमें प्रेशर ऑफ ओ टू इज इक्वल टू व्हाट, की एच ऑफ ओ टू इंटू काई ऑफ ओ टू. तो काई ऑफ ओ टू क्या हो जाएगा, प्रेशर जो हमने यहाँ निकाला हुआ है, अपॉन KH. Okay, so we got this much, that is the mole fraction of O2, यानी कि उसका composition इतना है, और X of N2 will be same, pressure of N2 upon KH of N2 जो इतना आता है. So this question is in fact very simple. Okay, I hope you got this. Okay, now this is a question of exercise, okay, unsolved question 2.35, a very simple question. Henry's law constant for solubility of methane, yeah, solid kya hai, methane in benzene, okay, at 298 kelvin is this much mm, matlab hame sidha kh diya hua hai. Dekho, calculate this solubility, iska matlab kai dhoondna hai humko. Under the pressure of 760 mm, मतलब P दिया हुआ है हमको. इक्वेशन में पता है P इज इक्वल टू KH एच का है, सो का इज इक्वल P बाई KH, सो P अपॉन दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स सिंपल क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, 2.13 from the exercise. Partial pressure of ethane over saturated solution containing this much gram of ethane is 1 bar. If the solution contains this much gram of ethane, then what will be the partial pressure of gas? दोस्तों, ये question बहुत ही खास है, क्योंकि पहली बात तो ये, यहाँ पर कहीं पर Henry's constant कुछ दिया नहीं है. इतना है कि पार्शियल प्रेशर है, गैस है, मतलब इट हैज टू डू समथिंग विद द हेनरीज लॉ. ओके, हेनरीज लॉ में आपने ये पढ़ा था कि कंटेम्प्रेरली डाल्टन उसी समय, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरली. ओके, डाल्टन ऑल्सो सेड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर. तो देखो, ये अगर हम ग्राफ बताएंगे सॉल्युबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर का, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हमने पढ़ा है हेनरीज लॉ के अंदर पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. ओके, और डाल्टन ने भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट कहा था. तो दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑन द वाई एक्सिस वर्सेस द प्रेशर विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस विल बी अ स्लोप. ओके, सो एम, लेट एम बी द सॉल्युबिलिटी, एम इज प्रपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, so m is equal to kp, where k is constant. So if we take for two different cases, alag alag solubility pe, alag alag pressure pe, so we have m1 upon m2 is equal to p1 upon p2. Simple. p1 humko kya diya hua hai, 1 bar. Jab pressure 1 bar tha, tab this was a solubility in gram. Yahan pe solubility kis mein diya tha, gram mein, gram per given volume of solution. सो यहाँ पे हम ये ले लेंगे, दैट इज M1. हमारा क्वेश्चन क्या है कि वॉट विल बी द पार्शियल प्रेशर अगर दिस इज द सॉल्युबिलिटी, मीन्स इफ M2 इज दिस मच, वॉट इज P2. सो इट इज सो सिंपल डियर. ओके, वी कैन सिंपली फाइंड इट फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2. सो P2 इज इक्वल टू वॉट, P2 ऊपर जाएगा तो M2 ऊपर जाएगा, P1 M2 अपॉन M1, M1 ही जाएगा, 0.762 bar. ओके, सो
this is the solution of the question. Okay guys, I'm sure this session would have helped you a lot, and definitely whenever you have the problems in numerical, you can just open up this video, okay, and you can just see step by step how we can solve a numerical based on Henry's law. I'll be coming back again with the numericals of different topic and of course the most important topics. So till then, goodbye, take care guys, and yes, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Please stay tuned with me. Thank you so much.